गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 6, हैंडलिंग अ माउस। ओके, सो इन प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट दैट व्हाट इज माउस, माउस पैड, माउस पॉइंटर, एंड आई टोल्ड यू सम नेम्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो टुडे अगेन आई एम जस्ट रिवाइजिंग, रिकैप्चुलेटिंग द थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न्ड इन प्रीवियस क्लास। सो दोज हु हैव नॉट अटेम्प्टेड द क्लास, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, सो अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस एंड इट लुक्स लाइक अ रियल माउस। इट इज स्मॉल इन साइज एंड हैज अ टेल अटैच्ड टू द CPU। So, as you all can see in the picture, a computer mouse is an input device. Input device means using mouse we can give instructions to the computer. Mouse को use करके हम computer को instructions दे सकते हैं, है ना? तो जो भी devices को use करके हम computer में instruction देते हैं या data enter करते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? Input device बोलते हैं। जैसे keyboard हो गया, keyboard से हम क्या करते हैं? We enter data using keyboard. तो keyboard is also an input device. We have learned about keyboard in previous chapter. Okay, now mouse से हम क्या करते हैं? डेटा एंटर तो नहीं करते हैं, बट वी गिव instructions लाइक हम फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन ओपन द फाइल्स। अगर आप किसी फाइल को ओपन करना है, सो यूजिंग माउस यू कैन डबल क्लिक ऑन द फाइल एंड यू कैन ओपन इट। हम उसको ड्रैग, मतलब वी कैन मूव द फाइल्स और फोल्डर्स ऑन द स्क्रीन। हम उनको मूव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, है ना? तो दिस ऑल आर काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं कि इस चीज़ को यहाँ से यहाँ मूव करना है, इस पर क्लिक किया है तो ओपन करना है या क्लिक किया है तो सिलेक्ट करना है। ओके, सो दिस ऑल आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। ओके, नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द माउस। तो अ माउस हैज आइदर 2 or 3 बटन्स। माउस पे क्या होते हैं? या तो 2 बटन होते हैं या तो 3 बटन्स होते हैं। द पिक्चर यू ऑल कैन सी हियर इट इज़ अ माउस विद 2 बटन्स एंड 1 स्क्रॉल बार। लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड जो बीच में आपको एक राउंड शेप में दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द स्क्रॉल बार। ओके, एंड द ब्लू कलर मैट ऑन विच द माउस इज कैप्ड ऑन इज कॉल्ड द माउस पैड। ठीक है, तो लेफ्ट बटन से क्या होता है? लेफ्ट बटन से हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट बटन से राइट क्लिक करते हैं। बट वी डू लेफ्ट क्लिक मोस्टली वैन एवर यू वॉन्ट टू ओपन और सेलेक्ट एनीथिंग। जब भी हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, ओपन करनी होती है या उसे मूव करना होता है, तो नॉर्मली हम लेफ्ट क्लिक का यूज़ करते हैं। ओके, एंड राइट क्लिक यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी भी चीज़ में मेन्यू ओपन करना होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने होते हैं, देन वी यूज़ द राइट क्लिक ऑप्शन। ओके, अ माउस हेल्प अस टू मूव द पॉइंटर, सेलेक्ट आइटम एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, है ना? तो हम आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम वी कैन मूव द पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? ये जो एरो साइन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इट इज़ कॉल्ड द माउस पॉइंटर। तो आप इसको मूव कर सकते हैं, इट टेल्स यू द पोजिशन ऑफ द माउस ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑल्सो, है ना? पिक्चर बनाने में तो हम माउस ही यूज़ करते हैं, यूजिंग कीबोर्ड ओनली वी कैन ड्रॉ पिक्चर। केवल कीबोर्ड को हम यूज़ करके पिक्चर्स नहीं बना सकते हैं, माउस वी हैव टू यूज़ फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज माउस पैड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लू कलर का मैट है जिस पर माउस रखा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड द माउस पैड। द माउस पैड ऑन विच द वी मूव द माउस इज नोन एज द माउस पैड। तो इस माउस पैड पे माउस को रखते हैं एंड इस पर हम माउस को मूव करते हैं। ओके, माउस पैड पर हम माउस को स्मूथली मूव करा सकते हैं। अगर आप किसी और सरफेस पे मूव करेंगे तो वो स्मूथली रन नहीं करेगा। आप उसको लेफ्ट मूव करेंगे बट वो जो पॉइंटर है वो स्क्रीन पर कहीं और जाएगा, है ना? तो वी शुड यूज़ माउस पैड टू मूव द माउस। नेक्स्ट पॉइंट इज माउस पॉइंटर। एज आई शोन यू इन दिस स्क्रीन, दिस रेड एरो इट इज़ कॉल्ड अ माउस पॉइंटर। द स्लैंट एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। As we move the mouse, the pointer on this monitor also moves in the same direction. जैसे ही आप माउस को मूव करते हैं माउस पैड पे, if you will move it left, तो जो माउस का पॉइंटर है वो लेफ्ट मूव करेगा स्क्रीन पे। If you will move the mouse right, तो जो माउस पॉइंटर है वो राइट में मूव करेगा। ओके, इट ऑल्सो शोज द पोजिशन ऑफ द माउस ऑन द स्क्रीन। हमें
पॉइंटर से क्या मालूम चलता है कि स्क्रीन पर अभी हमारे माउस की पोजीशन क्या है। अगर आपको उस चीज़ को सिलेक्ट करना है तो आप पॉइंटर को देख के आपको पता चल सकता है कि अभी माउस हमारा कहाँ पे जा रहा है, हमें कहाँ पे उसको मूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ माउस। माउस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एज यू ऑल कैन सी, टू बटन माउस, थ्री बटन माउस, स्क्रॉल माउस। ओके, तो जो टू बटन माउस होता है उसमें दो बटन्स होते हैं केवल, लेफ्ट एंड राइट बटन, उसमें स्क्रॉल बार नहीं होता, कोई थर्ड बटन नहीं होता। जो थ्री बटन माउस होता है उसमें लेफ्ट बटन होता है, राइट होता है, इन बीच में एक सेंटर में भी एक बटन दिया हुआ रहता है। थर्ड टाइप का माउस होता है स्क्रॉल माउस, जैसे कि अभी आपको मैंने इस पिक्चर में भी दिखाया, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्क्रॉल माउस, जहाँ बीच में ये स्क्रॉल बार लगा होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड द स्क्रॉल बार। ठीक है, ओके ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रॉल माउस। वॉट इज़ अ स्क्रॉल माउस? अ स्क्रॉल माउस हैज़ अ स्क्रॉल व्हील इन द मिडल ऑफ लेफ्ट एंड राइट बटन। वी कैन मूव अ पेज अप एंड डाउन बाई मूविंग द स्क्रॉल व्हील। एज आई टोल्ड यू दैट जो स्क्रॉल बार माउस होते हैं उसमें एक राउंड शेप का व्हील लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको इस पिक्चर में दिखाया, ये जो सेंटर में एक व्हील है, इट इज़ कॉल्ड द स्क्रॉल बार। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रॉल बार और स्क्रॉल व्हील, ये जो स्क्रॉल व्हील है, इट इज़ प्रेजेंट इन द बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट बटन, लेफ्ट एंड राइट बटन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको मूव करके हम क्या कर सकते हैं, हम पेज में ऊपर या नीचे जा सकते हैं। सपोज़ आप ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, आपने ड्राइंग बनाया, अभी आपको उसमें का सबसे नीचे जाना है, तो बिकॉज़ एक बार में कभी कभी क्या होता है, जब हमारा ड्राइंग बड़ा हो जाता है या हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, तो एक नॉर्मल स्क्रीन पे वो नहीं दिखाई देता है, हमको पेज में ऊपर नीचे मूव करना पड़ता है। तो मूविंग अप एंड डाउन ऑन द पेज वी कैन मूव दिस स्क्रॉल व्हील। आप इस स्क्रॉल व्हील को मूव करके पेज में ऊपर और नीचे जा सकते हैं। ओके ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रॉल माउस। स्क्रॉल माउस के दो टाइप्स होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रॉल माउस। फर्स्ट इज़ द बॉल माउस एंड सेकेंड इज़ द ऑप्टिकल माउस। ये जो बॉल माउस है, दिस पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बॉल माउस एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ ऑप्टिकल माउस। ओके, सो अ बॉल माउस हैज़ अ बॉल अंडर इट। दिस बॉल हेल्प्स टू मूव द पॉइंटर, टू मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अभी आपको ये जो माउस है, बॉल माउस, इसमें आपको कहीं पर भी स्क्रॉल व्हील ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें माउस के नीचे की साइड में ये जो दिख रहा है आपको पोर्शन, एक्चुअली ये जो माउस है अभी उल्टा रखा हुआ है, जस्ट टू शो यू ऑल दैट देयर इज़ अ दिस वन, इट्स अ बॉल अंडर दिस माउस। इस माउस के नीचे एक बॉल होता है जो स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को मूव करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल माउस। एंड ऑप्टिकल माउस यूजेस लाइट इंस्टेड ऑफ अ बॉल फॉर अ मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर। अभी इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, इसमें बॉल नहीं लगी रहती है, इसमें लाइट होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, जो ऑप्टिकल माउस होते हैं, आप उसे उठाएंगे तो नीचे के साइड में एक आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, बॉल नहीं होती है, बॉल की जगह पर लाइट का यूज़ होता है, और जिससे वो जो पॉइंटर है वो स्क्रीन पर मूव करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट Remaining things we will discuss in the next class. Okay, so take care of yourselves. See you in the next class. Bye bye.